पुराण में विभिन्न रूप में इनकी कथा आती है। कुछ कथा गर्ग संहिता में आती है,
कुछ कथा भविष्य पुराण में आती है और ये श्रीमद भागवत में तो है ही है, कृष्ण गिरिराज की कथा है। इसलिए कहिए गिरिराज की प्राकट्य कहाँ से हुई, इसलिए गर्ग संहिता में बताए सारी कथा को नोट कर, ऐसे नहीं खाली बैठ कर सुन सारी कथा को नोट कर। तुम भी नुपुर दीदी कब घूमती रहती, माला रखो हाथ से, हाथ से माला रखो, एक कापी और एक पेन लेकर के आना, ठीक है ना। ऐसे नहीं कथा यहाँ सुने सब ये कर दे, सब कथा को लिख कर रखे ना। हम चाहते हैं यहाँ से जब कथा सुन करके जाओ, फिर ये कथा को दे करके फिर अपना जहाँ से आए हो वहाँ कथा सुनानी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से जब जाओ लगे हम पूरा पकेट में भर करके गए, क्योंकि दुनिया की बात तो हम बहुत याद रखते हैं, 20 साल और 50 साल की बात भी याद रखते हैं। कोई झगड़ा हो ना वो बात को उठाएगी, तुमने मेरे को ऐसे बताया, रखते कि नहीं। हाँ ये सब बात भी याद रखते हैं, लेकिन ये सब बात की कोई महत्व नहीं है, ये सब बात की कोई महत्व नहीं है। अगर बात याद रखे तो सीट डाउन हो गए, इसलिए अगर याद रखे ठाकुर जी कथा अगर याद रखे ना, हाँ फिर तो इससे बढ़िया बात जगत में और कुछ है ही नहीं। ठाकुर कथा ही सबसे बढ़िया है, इसलिए जो कथा सुनो यहाँ से लेकर के जाओ झोली भर करके और अपना देश में भी ये चीज को लुटाओ, ठीक है ना। देखो गुरु जी कथा कहते थे, ध्यान देकर सुनो, जगत में बहुत बड़े बड़े दान है लेकिन सबसे बड़ा दान किया है। गुरु जी उदाहरण देते थे, जैसे एक पिता और बच्चा मेला देखने के लिए गए। अभी मेला में बड़े टहल चहल मचा हुआ था, हैं? बड़े टहल चहल मचा हुआ था। अभी पिताजी का हाथ बच्चा पकड़े करके मेला देख रहा था, उसको पिताजी बड़ी बड़ी चीज दिखा रहे थे, बोले देखो कुछ घूमता है ना चक्कर, उसको क्या बोलते हो जो बैठ कर घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग बैठ कर घूमते हैं, हिंदोला क्या बोलते हैं। इसलिए उसको दिखा रहे थे, कोई थिएटर कोई ड्रामा कोई नाटक, वो बच्चा बड़ा खुश होकर देख रहा था, बड़े प्रसन्न होकर, ये कथक याद रखो, इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के वो देख रहा था। लेकिन वहां पर बड़े टहल चहल मचा हुआ था। थोड़ी देर बाद में पिताजी का हाथ से बच्चा का हाथ अलग हो गया आवेश में। अभी थोड़ी देर बाद में पिताजी देखते हैं बच्चा अलग, बच्चा देखते हैं पिता अलग। अभी तो भरी मेला में अभी रो रहा है वो बच्चा, मेरे पिताजी कहाँ, मेरे पिताजी कहाँ, मेरे पिता, बड़े दुखी होकर रो रहा था। हैं कोई आकर के उसको टफी दे दिया, थोड़ी समय के लिए खुश हो जाए, फिर मेरे पिताजी मेरे पिताजी पापा पापा, किसी ने आकर थोड़ी मिठाई दे दिया, हैं मिठाई दे दिया उसको खाकर खुश, फिर मेरे पिताजी पिताजी, किसी ने आकर थोड़ा खिलौना दे दिया थोड़ी समय के लिए खुश, फिर मेरे पिताजी पिताजी मेरे पापा जी पापा जी। एक कोई बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने देखा भले ही उसको जितने चीज दे दो जब तक उसको पिताजी को पास में उसको मत पहुंचा दो ये बच्चा तभी तक कोई खुश नहीं होगा, हैं। इसलिए उसने ढूंढा उसको पिताजी कहाँ है, ढूंढते ढूंढते उसको पिताजी पागल होकर ढूंढ रहे, मेरे बच्चा कहाँ मेरे बच्चा कहाँ, हाँ वो भी पागल होकर ढूंढ रहा था। उसने कहा देखो हमने देखा वहां पर एक बच्चा है, बस देखा वहां पर एक बच्चा बड़ी जोर जोर से रो रहा है, मेरे पिताजी पिताजी है पिताजी पिताजी कर रो रहा है, और उसको पिताजी को देखा भी वो भी पागल होकर ढूंढ रहा है मेरे बेटा कहाँ मेरा बेटा कहाँ। उसने कहा मैंने एक देखा छोटा बच्चा वहां पर बड़े जोर जोर से रो रहा है, मेरे पिताजी कहाँ है, बोले कहाँ पर देखा बैठ, बोले कहाँ पर देखा है, बोले वहां पर देखा है, और उसको पिताजी को ले आए ला करके, बोले ये तेरे बच्चा है, बोले हाँ मेरे बच्चा है, बोले तेरे पिताजी है, बोले हाँ ये मेरे पिताजी, जो पिताजी के हाथ में बच्चे का हाथ पिताजी को पकड़वा दिया ना, बस बच्चा खुश हो गया, उसको टफी देने का जरूरत नहीं, उसको कोई मिठाई देने का जरूरत नहीं, उसको कुछ भी देने का जरूरत नहीं, खुश हो गया। देखो ये संसार भी एक मेला है, संसार में मेला है, लेकिन ये मेला में कब तक हम खुश रहेंगे, जब तक पिताजी का हाथ को पकड़ कर रहोगे, जब तक पिताजी का हाथ पकड़ेंगे तब तक खुश रहोगे, लेकिन वही मेला, लेकिन वो मेला में कब तक आनंद ले रहा था, जब तक अपना बच्चे का हाथ को पकड़ कर रखा था, लेकिन जो पिताजी का हाथ से बच्चे का हाथ अलग हो गया वही मेला है, सब कुछ वही, लेकिन उसके अंदर रो रहा है, उसके अंदर में रो रहा है, मेरे पिताजी का मेरे पिताजी का मेरे पिता रो रहा है। हम भी संसार रूपी मेला में हमारा पिता भी हमारे हाथ से पिताजी का हाथ भी अलग हो गया है, क्योंकि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव
तमेवम विद्याम द्रविण तमेव तमेवम सर्वम। भगवान ही हमारे पिता माता भाई भगवान है, लेकिन अभी भगवान से हमारे हाथ अलग हो गया, भगवान से हम अलग हो गए। अभी संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई फ्रेंड से दुखी, कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुखी 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 भटक रहे संसार। ये संसार में दुखी दुखी अगर भटक रहे हैं, सबके सब भटक रहे, सब दुखी दुखी आए। लेकिन कोई हमें कोशिश करता है दुख को दूर करने के लिए, बोले बेटी की शादी नहीं हो रही, सर बेटी की शादी करने पर सुख हो जाए, बेटी की शादी कर दिया। लेकिन बेटी जब गया ससुराल में, देखा ससुर घर लड़ाई झगड़ा, वहां भी आसान सोच रहा था सर बेटी की शादी हो जाएगा तो सोचता है बेटा का लिखा पढ़ाई सीखी देख तो खुश हो जाएगा, लिखा पढ़ाई हो गया, बेटा का नौकरी मिलने पर खुश हो जाएगा, हो गया। फिर बेटे का शादी कराने पर सुख, घर में ऐसे बहू आ गई, जब से बहू तब से घर में कलेश है, घर में कलेश है, जब तक बहू बात नहीं सुनती है। बेटा एक रात में क्या मंत्र, कान में मंत्र दिया, बेटा की बुद्धि करा है। इसलिए हम कोशिश करते हैं वो एक एक है जगत में से, ये चीज पाने पर सुख होगा, ये चीज पाने पर सुख होगा, लेकिन सुख हो ही नहीं रहा है। कारण क्या है? कारण है जैसे उसको कोई टफी दे दिया, कोई उसको चॉकलेट दे दिया, थोड़ी समय तो खुश हुआ, लेकिन उसके बाद में रोना, उसके बाद में फिर रोना। कहते हम भी संसार में रो ही रहे, बोले कब तक वो बच्चा रो रहा था, बोले तब तक रो रहा जब तक उसको पिताजी का हाथ में उसका हाथ को नहीं पकड़ा दिया, लेकिन जो हाथ पकड़ा दिया बस खुश हो गया। कहते उसी तरह कृष्ण गीता में कहते हैं माम उपतुतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, अर्जुन जब तक जीव मेरे पास में नहीं आ जाए, जब तक जीव मेरे भजन नहीं करता है, भले ही दुनिया के सारे चीज को इकट्ठे कर ले, कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। हम सोचते हैं पैसा पाने पर सुख मिल जाएगा, रावण जैसे पैसा इतना किसके पास है, कितना पास, कितना सोना तुम्हारे पास में, 1 किलो का, 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, उसका डाइनिंग रूम सुना, किचन रूम सुना, पूरा मकान सुना, राजमहल ही सोना ही सुना। कहते हम किसी सुंदरी लड़की से शादी होने पर सुख हो जाए, उसका पत्नी का नाम थी मंदोदरी, मंदोदरी जानते हो मतलब क्या, वो विश्वकर्मा की बेटी, सारे सुंदरता को देख करके बेटी बनाए, मंदर मतलब होता पतली, उदरी मतलब कमर, जिस कमर बहुत ही पतली थी उस समय, वो 20 मिस विश्व सुंदरी थी उस समय। सर बेटा होने पर सुखी हो जाएगा, मेघनाथ जैसे बेटा पिताजी के लिए प्राण देने वाले, मतलब सारे कुछ संसार में, लेकिन बेचैन, कोई चैन नहीं वहां पर, इतने वैभव भी चैन नहीं, सारे लंका ही बेचैन, केवल एक व्यक्ति चैन से जी रहा था, कौन है, विभीषण, केवल चैन से जिंदा रह रहा था। कारण है भगवान की भक्ति करता था, प्रभु की भजन करता था, इसलिए चैन और सब बेचैन से जी रहे थे। इसलिए शिक्षा देते हैं जब तक प्रभु की शरण में नहीं आएगा तब तक बेचैन बेचैन से जीवन रहेगी। इसलिए हाँ देखो ये चीज समझो, हम जो भगवान की कथा करते हैं, भगवान की कथा दूसरों को शिक्षा देते हैं, भजन में लगाते, उसमें क्या है, जैसे मानो भटकता हुआ जो जीव है, संतान है, उसको पिताजी को ला करके बच्चे को पास में दिला देना, बच्चे को लेकर उसको पिताजी को पास में पहुंचा देना, यही भक्ति है। क्यों, हम भगवान की संतान है, जब हम किसी दूसरों को शिक्षा देंगे भजन की, मतलब ये बच्चे को लेकर के पिताजी को पास में पहुंचा देना, बस बच्चा खुश हो जाएगा। इसलिए यद्यपि उसको कोई टफी दे रहा था, कोई उसको खिलौना दे रहा था, कोई मिठाई दे रहा था, लेकिन ये दान भी दान है, जगत में कोई हमें भी संसार की वस्तु ये भी दान है, लेकिन सबसे बड़ा उपकार उसमें किसने किया था, क्या किसने सबसे बड़ा उपकार किसने किया, जिसने उसको पिताजी के साथ में बच्चे को मिला दिया। भक्ति करना मतलब है, भजन करना मतलब जीव को लेकर के हमारे जो परम पिता है उसको साथ में मिला देना, ठीक है ना। ये सारी कथा यहाँ शुरू कर जाना, नोटबुक और पेन लेकर जाना, हाँ इसलिए नोटबुक, इसमें नोटबुक पेन लेकर जाना, अब उसको सबके सब नोट करना, ठीक है अभी, हाँ इसलिए कहते जो गिरिराज गोवर्धन है, इसलिए जब गोलोक वृंदावन में भगवान लीला कर रहे थे, एक दिन राधा कृष्ण दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, बैठे करके आपस में चर्चा कर रहे थे, ऐसे एक स्थान हो जो पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान हो, उससे सुंदर कुछ नहीं, जहां पर एक साथ में 6 ऋतु जहां पर बहता हुआ हो, जहां पर एक वृक्ष में हर तरह का फूल हो। हम जानते हैं एक वृक्ष में एक ही फूल हो सकता है, दो फूल नहीं,
बोले एक वृक्ष में सारे फूल बेली चमेली केतकी मालती माधवी सब एक वृक्ष में होनी चाहिए। एक वृक्ष में हम जानते हैं एक ही फल हो सकता है। बोले ऐसे वृक्ष हो जहाँ एक वृक्ष में है चीकू भी मिल जाए, उसमें अमृत भी मिल जाए, केले भी मिल जाए, पपीता भी मिल जाए एक वृक्ष में। ऐसे ऐसे एक वृक्ष हो है जहाँ पर छह ऋतु बहता हुआ हो, जहाँ पर ठंडा नहीं हो, गर्मी नहीं हो है। अब पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान, पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान हो। अभी राधा कृष्ण दोनों बैठे करके आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते समय तब श्रीमती राधा रानी अपना हृदय से ही ये गिरिराज गोवर्धन को प्रकट किया है। इसलिए भविष्य पुराण कहता है गर्ग संहिता प्रकृत ही मनसा जात। कहते राधा रानी ये गिरिराज कौन है, प्रकृति मतलब मूल प्रकृति जो राधा रानी उनके हृदय से ही ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुआ है। बोले श्री गिरिराज महाराज की, जोर से जयकार लगा, बोले श्री गिरिराज बाबा की। इसलिए कहते जो गिरिराज गोवर्धन है ये राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ। कहते भविष्य पुराण में आता है, कहते गिरिराज कहाँ से प्रकट हुए, बोले ये कृष्ण के नेत्र से, कृष्ण की नेत्र से ही ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए। इसलिए एक दिन कृष्ण राधा रानी से बोले, बोले हे राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता, मेरे साथ में चलोगी, बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों, बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ पर यमुना पटरानी नहीं, जहाँ पर नंदगाम बरसाना नहीं, जहाँ पर निधुवन निकुंज बने नहीं, जहाँ पर है कैसी घाट बंसीवट द्वादश कानन जहाँ पर नहीं, इसलिए मैं जाकर वहाँ क्या करूँगी, जहाँ पर नंदगांव नहीं बरसाना नहीं, मैं जाकर वहाँ क्या करूँगी, मैं नहीं जाती हूँ। तब कृष्ण बोले देखो राधे जब ये गोलोक वृंदावन से मैं ये मरते जगत में उतरूंगा मैं अकेले नहीं जाऊंगा। ये जितना जो गिरिराज गोवर्धन देख रहे ना, ये जो गिरिराज पूरा जो गोवर्धन जो संपूर्ण गोलोक वृंदावन तुमको अपराकृत जगत में प्रभु का जो नित्य धाम है, यदि जो दिव्य धाम जो कुछ देख रहे हो ये पूरा के पूरा ये नीचे उतर कर आएगा। मैं नहीं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ में मेरे पिता नंद जाएंगे, मेरी मैया जसोदा जाएगी, मेरे ग्वाल बाल जाएंगे। तू अकेले थोड़ी जाओगी, तेरे पिता भी जाएंगे, तेरी मैया भी चलेगी, तुम्हारी सखियां भी चलेंगी, ये सब के सब दुनिया सब चलेगा। तब राधा रानी कहते फिर तो मैं जाऊंगी, फिर तो मैं जरूर मैं जाऊंगी। इसलिए जब गोलोक वृंदावन से भगवान उतर करके इस जगत में आए, पूरा के पूरा उन्होंने गोलोक वृंदावन को उन्होंने यहीं पर उन्होंने पूरा गोलोक वृंदावन को उन्होंने उतर दिया। इसलिए जो कुछ हम ब्रज में दर्शन करते हैं, जो कुछ जितने हाँ बारह जैसे वन दर्शन करते हैं, बारह उपवन दर्शन करते हैं, वहाँ पर जो मानस सरोवर श्री मानसी गंगा और राधा कुंड श्याम कुंड प्रेम सरोवर जो जो कुछ आप देखते हैं वो सबके सब गोलोक वृंदावन से, और वहीं से इसी जगत में भगवान धाम को साथ में इसी जगत में अवतरण हुए। जो कुछ आप देख रहे हैं जो कुछ देख रहे हैं, लेकिन इनका जो वास्तव जो रूप है वो दिव्य है अप्राकृत है, लेकिन अभी हमारा आंखों के सामने एक माया के एक पर्दा डला हुआ है, माया के एक पर्दा डाला हुआ। इसी वजह से जो ब्रज धाम की जो चिन्मयत्व को इसका जो अपराकृतव को अभी हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं। कई कुंड में नमकीन पानी है, कई कुंड साफ नहीं दिखती है, ऐसे ऐसे कभी दिखती है, लेकिन ये इसी इस वृंदावन का असली स्वरूप ये नहीं है। इसे तो असली स्वरूप दिव्य है। कहते श्री कवि कर्णपुर कहते आनंद वृंदावन चंपू एक ग्रंथ है, अगर हो सके तो कभी आप ग्रंथ को पढ़ना, वो वर्णना करते हैं। ये गिरिराज जो पत्थर देख रहे हो पत्थर नहीं, कभी हीरे जवाहरात असरफियों से पूरा भरा हुआ ये वृक्ष है, इसे वृक्ष नहीं, सारे वृक्ष में सारे फूल सारे फल हैं। लेकिन इसकी चिन्मय तो कब उपलब्धि होगी, जब माया कृपा करके हमारे आंखों के सामने से वो माया की पर्दा जब हटा देगी, फिर तो इसका दिव्यता इसकी अपराकृतत्व इसकी फिर असली स्वरूप तभी हमें दर्शन मिलेगा, तब दर्शन मिलेगा। जैसे श्री अकबर जी आए हैं, अकबर जी आए आकर के सनातन गोस्वामी को बोले आपको हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो बोले क्या सेवा करोगे, हैं वो सोच रहे तो बहुत बड़ी सेवा देंगे,
तब सनातन गोस्वामी बोले मैं जिस सीढ़ी में उतरते हुए जमुना में नहाने जाता हूँ वो सीढ़ी का एक कोना टूट गया, सो सही करा सकते हो? बोले क्या बोल रहे हो, अकबर में राजा हूँ हैं, इसलिए मैं सहनशाह हूँ, मैं तो तेरे लिए विशाल मंदिर बना सकता हूँ, गौशाला खोल सकता हूँ, तेरे को ये छोटी मोटी क्या सेवा दे रहे हो? तो सनातन गोस्वामी बोले आप जो एक सीढ़ी का कोना टूट गया ना, पहले देख लो उसको मरम्मत कर सकते कि नहीं, आप थोड़ा जाओ देख लो। जब अकबर उन्होंने उतरा, उतर करके उनको थोड़ी समय के लिए सनातन गोस्वामी उनको दिव्य वृंदावन का धाम दर्शन कराए, देखो ये वृंदावन धाम किया। उसने देखा जो सीढ़ी से उतर करके आए, जो उसे टूटा हुआ, कहते अगर उसका देश को 7 बार भी बेचेगा, 7 बार भी बेच देगा, वो कोड़े का सीढ़ी का एक कोड़े को भी सही करने का पैसा नहीं होगा। ऐसे उसका आंख एकदम झुलस गया देख करके, क्या दिव्य रत्न से बनी हुई है। फिर तो उनको प्रणाम करते हुए चलेगा, मैं सेवा नहीं कर सकता, वृंदावन धाम का मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे इसका दिव्यता है। लेकिन तभी दर्शन मिलेगा जब हमारा आंखों से ऊपर से ये माया की पर्दा जब हमारी हट जाएगी, तभी इसकी दिव्यता को हम दर्शन कर पाएंगे। उसके लिए भजन साधन की जरूरत है, साधन भजन की जरूरत है। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन है वो पूरा के पूरा गोलोक वृंदावन से ही इसे मरते जगत में उतर है। इसलिए ये गोवर्धन कोई साधारण कोई ये पहाड़ नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण है। ये भगवान के सबसे बड़े भक्त श्री हरिदास वर्ज्य हैं, हरिदासों में ये सर्वश्रेष्ठ है। अभी हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी इसके विषय पर कुछ कुछ बोलेंगे, गिरिराज की अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे हमारे श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी। ठीक है ज्ञान दे मेरा अंतर से ज्ञानम जन शलाके चक्षुरुन्मिलितम ये तस्मै श्री गुरुवे नमः सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्टो विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमशील भक्ति विधान शील नारायण गुरु सही महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। भोजीपा श्रीमन भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। हमारे घर की छत पे जब पानी बहुत बरसता था, बारिश होती थी तो पूरी छत भर जाती थी, तो छत से पानी निकालने के लिए एक होल होता है ना घर के ऊपर छत पे, तो फिर उसको खोल दो तो सारा पानी गिर जाता है। अब लोग सोचते हैं पानी छत से गिर रहा है, लेकिन पानी कहाँ से आया? मेघ से आया। उसी प्रकार से महाराज जी मेघ है, जो महाराज जी से कथा सुनी है उसी को पानी की तरह थोड़ा सा बरसाऊंगा बस। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि गिरिराज जी को कृष्ण स्वरूप बताया गया है। गिरिराज जी कौन है? साक्षात कृष्ण स्वरूप है। जैसे शालिग्राम शिला क्या है? साक्षात विष्णु स्वरूप है। लेकिन गुरु जी बोलते थे कि गिरिराज जी को अगर हम कृष्ण स्वरूप माने तो हमारा ज्यादा फायदा, या उनको कृष्ण का दास माने तो ज्यादा हमारा लाभ होगा। तो बताया कि गिरिराज जी के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है तो उनको बोला कि साक्षात आप कौन है? साक्षात कृष्ण ही है। लेकिन गिरिराज जी का जो दूसरा स्वरूप है उसमें उनको बोला हरिदास। अब प्रश्न है कि हम हरिदास क्यों माने? क्योंकि जो गौड़िया वैष्णव लोग हैं, गौड़िया का मतलब होता है जो राधा जी के पीछे पीछे चलते हैं, तो इसलिए हम लोग गौड़िया वैष्णव हैं। इसलिए हमारे सारे वैष्णव कैसे हैं? राधा जी का अनुगत्य स्वीकार करते हैं। तो राधा जी ने खुद गिरिराज जी के लिए क्या शब्द बोला है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस चीज को लिखा अपने गोवर्धन अष्टकम में, गिरि नृप हरिदास श्रेणी वर येति नाम इदम अमृतम उदितम श्री राधिका मुक्त चंद्रात व्रज नव तिलक रत्पे क्लिप्त वेदे स्फुटम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम। जिसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम। हे गिरिराज महाराज, आप हमें अपने निकट में वास दीजिए। आप कैसे हैं? गिरि नृप हरिदास श्रेणी वर येति नाम। आपका नाम है हरिदास वर्रे, सारे हरिदासों में आप श्रेष्ठ हो। क्या प्रमाण है? इदम राधिका, राधा जी के मुखार रूपी चंद्र से ये नाम उदित हुआ है। तो गिरिराज जी का जो नाम है वो राधा जी के मुख से उदित हुआ है। क्या? हरिदास वर्रे हो, कि हरिदास में सबसे श्रेष्ठ कौन है? गिरिराज जी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है,
कृष्ण अगर किसी को अपनी भक्ति देना चाहे वो नहीं दे सकते, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने भक्त के पास भेजना पड़ेगा, भक्त ही भगवान की भक्ति को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हम लोग गिरिराज जी को क्या मानते हैं, आप हरिदास हैं और आप हमें ब्रज भक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमारे जो रघुनाथ दास गोस्वामी हुए हैं उन्होंने एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है मन शिक्षा, जिसके अंदर वो अपने मन को कह रहे हैं समम शिरूपेन स्मर विवश राधा गिरिमृतोर ब्रजे साक्षात सेवन लभे तद गण युजो तद इज्या आख्या धयन नति श्रवणम इतम धयन नित्य गोवर्धनम अनुदिनम तम किल भजा। जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर तुम समम शिरूपेण, अगर तुम क्या करना चाहते हो, राधा कृष्ण की उस लीला में प्रवेश करना चाहते हो, राधा कृष्ण की उस लीला के प्रति तुम्हारा अगर हृदय में लोभ है और तुम्हारे हृदय में इच्छा है कि मैं ब्रज में रह के राधा कृष्ण की सेवा करूं, तो अपने मन को कह रहे हैं मेरे प्यारे मन, अगर तेरे मन में ये इच्छा जागी है कि तू राधा कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो देखो एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो गिरिराज महाराज की शरण में जाना पड़ेगा और गिरिराज महाराज की शरण में जाके क्या करना पड़ेगा, तद इच्छा आख्या धयन नीति इच्छा, यानी कि उनकी महिमा को गान करो, उनकी पूजा करो, श्रवणम गिरिराज जी का ही श्रवण करो, प्रणाम करो गिरिराज जी को ही प्रणाम करो, कह रहे हैं प्रणाम करो गिरिराज जी को, गिरिराज जी का श्रवण करो, गिरिराज जी की पूजा करो, सब कुछ गिरिराज जी का करो। वहां पे पांच चीज बताइए, पंचामृत कहते हैं ना, पंचामृत स्नान करते हैं, तो वहां पे पंचामृत किसको बताया, भगवान की पूजा करना, उनका गुणगान गाना, उनका ध्यान करना, उनका श्रवण करना और उनका उनको प्रणाम करना, ये पांच वहां पे पंचामृत बताए। कह रहे हैं गिरिराज जी के जब जब तुम उनके शरण में जाओगे तभी तुम्हें गिरिराज जी क्या करेंगे, इस रति को प्रदान करेंगे। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य वर्ग हुए हैं उन सब ने उस ब्रज भक्ति की प्राप्ति के लिए क्या किया है, गिरिराज जी के चरणों में आश्रय ग्रहण किया है। इसलिए हमारे सब संतों ने जो हमारे गुरु वर्ग हुए हैं उन सब ने क्या प्रार्थना करी है, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम, हे गिरिराज अपने निकट में हमें वास दीजो। यहाँ तक कि जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा जी के भाव को लेके कृष्ण आए हैं और दिखा रहे हैं कि साधन कैसे करना चाहिए, जब चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन में आए तो यहाँ से एक गोवर्धन की शिला, महाप्रभु एक गोवर्धन की शिला और एक गुंजा माला, जो गुंजा माला होती है वो राधा जी का स्वरूप मानी गई है और गिरिराज शिला कृष्ण स्वरूप माना गया है। तो मानो जब गिरिराज जी के ऊपर गुंजा माला की साथ में सेवा होती है तो मानो राधा कृष्ण की सेवा हो रही है, भावमयी सेवा। तो उस भाव से चैतन्य महाप्रभु गिरिराज जी की शिला और उसके ऊपर गुंजा माला अर्पित, ये दोनों यहाँ से अपने साथ लेके गए। और चैतन्य महाप्रभु ने किसी विग्रह की सेवा करी हो ऐसा हमने कहीं सुना नहीं है, लेकिन इस गिरिराज शिला की सेवा चैतन्य महाप्रभु स्वयं खुद करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब इस गिरिराज जी की सेवा करते थे, जब चैतन्य महाप्रभु के पास रघुनाथ दास गोस्वामी आए तो चैतन्य महाप्रभु ने ये गिरिराज जी की शिला और गुंजा माला अपने हाथों से किनको दी, रघुनाथ दास गोस्वामी को दी और बोले रघुनाथ दास गोस्वामी मैं तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे रहा हूँ, तुम इसकी अच्छी तरह सेवा करना। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी को ये गिरिराज जी की शिला और गुंजा माला प्राप्त हुई, गुरुदेव बताते थे कि वो उनको अपने पलकों पर रख के सेवा करते थे, दिन रात केवल रोते रहते थे गिरिराज जी से प्रार्थनाएं करते रहते थे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर क्या किया, बाद में आके गिरिराज जी का ही आश्रय ग्रहण किया और यहीं पर रहकर उन्होंने भजन किया। तो गिरिराज जी जो है, गिरिराज जी के लिए उपाधि बताते हैं हमारे गुरुवर्ग सर्व अभिष्ट प्रदाता, कि गिरिराज जी कैसे है, सर्व अभिष्ट प्रदाता, जितने भी अभिष्ट है सारी की सारी वांछाओं को पूर्ण करते हैं, कौन, गिरिराज जी। इसलिए ब्रजवासियों को भी क्या बोला कृष्ण ने, अगर कुछ मांगना है तो किनसे मांगो, गिरिराज जी से मांगो। इसलिए गिरिराज जी जो है बड़े कृपामय है, बड़े कृपामय। और ब्रज में यमुना जी, गिरिराज जी और ब्रज की रज, ये तीनों कृष्ण लीला के आज भी साक्षी हैं। और हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कृष्ण उदीपन वस्तु, ये जो वस्तु है जहाँ, ये सब क्या है, कृष्ण की उदीपन वस्तु है, यहाँ पे आने से कृष्ण लीला का उदीपन होता है। या जैसे मानो एक कामुक पुरुष है, उसको अगर कोई स्त्री दिखेगी तो उसके हृदय में काम का उदय होगा, उसी प्रकार से जो भक्त है, भक्तों के लिए गिरिराज जी, यमुना जी, ब्रज की रज, ये सारी लीला स्थलियां क्या है, ये प्रेम की उदीपन वस्तु है, उस प्रेम को उदीपन करती है। इसलिए हमारे जो सब गुरुवर्ग हुए हैं उन सब ने गिरिराज जी का ही आश्रय ग्रहण किया है। जैसे महाराज जी अभी बता रहे थे ना कि गिरिराज जी जो है कौन है, पत्थर नहीं है, साक्षात क्या है, साक्षात हरिदास वर्य है।
ब्रज में जितनी वस्तु है सब चिन्मय है, ब्रज की रज सब कुछ चिन्मय है। इसलिए आप लोग गिरिराज का जो पहाड़ है, आप कोई भी वहां से एक टुकड़े ले लो, कोई भी आप टुकड़े लो, आप सब सही सही आप देखोगे ना, उसमें कृष्ण का कुछ ना कुछ चिन्ह, कहीं चरण चिन्ह मिलेगा, कहीं अनंत नाग का स्वरूप मिलेगा, कहीं उनको जुगल का सरकार मिलेगा, कहीं राम रूप दिखेगी, कहीं नरसिंह रूप देखेगी, कहीं उसमें राम राम सीता दिखेगी। कोई भी आप कोई भी पत्थर उठा, कोई भी पत्थर उठाओ। और मैं मथुरा में जाता था एक भक्तों के घर, मथुरा में एक माता जी, मेरे बड़े गुरु की शिष्या है, उन्होंने बहुत प्रचार किया, वो पहले शिष्य हुई बहुत बुजुर्ग, वो मेरे को जब मैं भिक्षा में जाता, जब मैं भिक्षा पे उसके घर में जाता था, उस घर में गिरिराज गोवर्धन ने पूजा है, वो मेरे को वो अपना अनुभूति की बात बताते थे। बोले महाराज जी कभी तो मेरे को उसमें नरसिंह देव का रूप दिखती है, नरसिंह भगवान का, कभी उसमें लड्डू गोपाल का रूप हमें दिखती है, कभी उसमें मेरे को उसमें कभी उसमें श्रीनाथ जी का रूप उसमें दिखती है, कभी श्रीनाथ जी का स्वरूप दिखता है। बोले महाराज जी मैं जब जैसे जैसे रोज उसको बच्चा मृत हुआ नहाया करते थे रोज उनको, इसलिए कहते हैं ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, हाँ बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम। इसलिए भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन किसके लिए करेंगे, जब तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान पर प्रेम सेवा करोगे ना, गिरिराज की कोई भी एक टुकड़े अंश लो, क्योंकि स्वयं कृष्ण है, भगवान कृष्ण है, इसलिए किसी ना किसी रूप में तुम भगवत रूप में देखेगा, जैसे जैसे सेवा करोगे ना अलग 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 रूप उसमें देखेगा। इसलिए गिरिराज कोई पहाड़ नहीं, गिरिराज स्वयं कृष्ण है। अभी क्या हुआ, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उदयपुर में, वहाँ पे 7 या 7:30 बजे शाम को मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आज भी नियम है कि जो श्रीनाथ जी हैं उदयपुर से गुफा है, जिस गुफा के माध्यम से श्रीनाथ जी कहाँ पे आते हैं, गोवर्धन में आते हैं, और रात को शयन कहाँ पे करते हैं, गोवर्धन में शयन करने आते हैं, और सुबह फिर यहाँ पे 4 बजे मंगला आरती होती है उनकी, और फिर यहाँ से मंगला करके वापस उदयपुर जाते हैं। इसलिए वहाँ पे मंगला कितने बजे होती है, वहाँ पे 7 या 8 बजे मंगला होती है, 8-8:30 बजे के आसपास, और शयन जल्दी हो जाता है। पूरे भारत में केवल उदयपुर ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान के दर्शन लेट खुलते हैं और शाम को ही बंद हो जाते हैं। अभी 6 महीने पहले की बात है, जो यहाँ पे श्रीनाथ जी जहाँ पे रात को आते हैं विश्राम करने के लिए, तो सुबह 4 बजे खुलता है मंदिर, तो पुजारी ने क्या किया, उस दिन सुबह 3:30 बजे जाके पट खोल दिया। अभी 6 महीने पुरानी बात। अब जब उसने 3:30 बजे यहाँ पे पट खोल दिया, तो श्रीनाथ जी वहीं पे थे और श्रीनाथ जी को उसने देख लिया। उसके बाद उसी समय वो क्या हुआ, उसकी आंख चली गई, उसकी आंख उसी समय चली गई, और उसको लगा कि मेरे से बहुत अपराध हो गया है। कुछ दिन फिर वो जीवित रहा, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पाया, और उसके प्राण भी छूट गए, और उसने बोला कि मेरे से अपराध हो गया, मैंने श्रीनाथ जी को जल्दी उठा दिया। उसने उस दिन घड़ी का देखा नहीं कि क्या समय हुआ क्या नहीं हुआ। अभी 6 महीने पुरानी की बात है, वो वहां का मूल पंडा जो रोज सुबह मंगला आरती करता है। इसलिए गिरिराज जी को कभी पत्थर नहीं मानना चाहिए। शास्त्र बोलते हैं जो तुलसी को एक साधारण सा एक वृक्ष समझता है, और जो शालीग्राम को क्या समझता है, पत्थर समझता है, जो यमुना गंगा को क्या समझता है कि ये तो पानी है, वो व्यक्ति सपाषाणी नरक ध्रुवम, वो पाषाण व्यक्ति और वो सच्ची में नरक जाता है। इसलिए हमारे जो गुरुवर हुए हैं, वो हमारे गुरुदेव जब ब्रज में आते थे, एक एक पेड़ के पास जाके प्रार्थनाएं करते थे, एक एक पेड़ के पास जाके, क्यों, क्योंकि ये सब ऋषि मुनि है, उनसे प्रार्थनाएं करते थे और कितना विलाप करते थे, क्रंदन करते थे। तो इसलिए यहाँ के जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब के सब क्या है, सब के सब चिन्मय वस्तु है। हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करते हैं, जाबो गो ब्रजेंद्र पुर हबो गोपी कार नूपुर, जिसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, जब मैं ब्रज में जाऊंगा मैं क्या बनूंगा, कह रहे हैं हबो गोपी कार नूपुर, मैं गोपियों के चरणों का नुपुर बनूंगा, नुपुर हबो रुमजुन रुमजुन करीब हो गो, और जब मैं नुपुर बन जाऊंगा तो वहां पे जब गोपियां कृष्ण के साथ रास करेंगी तो मैं वहां पे रुमजुन रुमजुन करके बजूंगा। तो इससे प्रमाणिक होता है कि ब्रज की जितनी वस्तु है वो सब कैसी है, सब चिन्मय वस्तु है, वहां पे कुछ भी जड़ नहीं है। तो जो हमारे गिरिराज महाराज जी हैं, गुरु जी इसमें आगे बताते थे कि गिरिराज जी का स्वरूप हो गया हरिदास वर्य, हरिदास में सबसे श्रेष्ठ है, और वो इस कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं।
क्योंकि भगवान अगर कृष्ण प्रेम देना भी चाहे भगवान नहीं दे सकते। कौन दे सकते हैं? हरिदास। जो भगवान के दास हैं वो ही इस प्रेम को दान कर सकते हैं। क्या प्रमाण है? प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। किसने बोली? वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी कौन है? साक्षात कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। वेदव्यास जी के लिए बताया सब भगवान ऋषि, कि वो ऋषि तो है लेकिन साक्षात कौन है? साक्षात भगवान ही है, भगवान के शक्ताविश अवतार है। वेदव्यास जी ने भागवत पूरी लिख दी और शास्त्र क्या बोलते हैं? अहम वेति शुको वेति व्यासो वेति ना वा वेति। शिव जी कह रहे हैं कि मैं तो भागवत को जानता हूँ, शुकदेव गोस्वामी भी जानते हैं, लेकिन व्यास जी जानते हैं या नहीं जानते इसमें थोड़ा संशय है। अब प्रश्न है कि व्यास देव ने ही तो भागवत को प्रकाशित किया और शुकदेव गोस्वामी को उन्होंने ही श्रवण कराया, लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि वो जानते हैं या नहीं जानता इसमें थोड़ा संशय है। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी जो है वो कौन है? भगवान ऋषि, साक्षात भगवान है। तो भागवत क्या है? भागवत है भगवान के प्रति जो राधा जी के जो कृष्ण के प्रति भाव है वो ही भागवत है। अब राधा जी के भाव कृष्ण नहीं जानते, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु बन के आना पड़ा। तो कह रहे हैं कि व्यास देव जी साक्षात कृष्ण स्वरूप है, विषय है, और विषय उसको जानता है ये नहीं जानता इसमें संदेह है, लेकिन जो प्रेम का आश्रय है जहां पे सारा प्रेम छुपा हुआ है वो होते हैं भगवान के भक्त। लेकिन भक्त तो जानता ही है, इसलिए बताया कि हम गिरिराज जी को किस रूप में मानेंगे? हरिदास वर्य, कि आप हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ हैं। अब फिर गुरु जी एक और बात बताते हैं कि चलो गिरिराज जी तो हरिदास वर्य हो गए और भगवान की जो रास लीला हुई है, जो भगवान का सबसे ऊंचा रास है बसंती रास, जिसको जयदेव गोस्वामी जी ने अपने गीत गोविंदम में वर्णन किया है, वो भी कहां पे हुआ? गिरिराज जी की तलहटियों में हुआ। लेकिन रास में तो किसी पुरुष का प्रवेश होता नहीं है, तो गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी तो पुरुष हो गए। तो प्रश्न है कि अगर गिरिराज जी पुरुष हो गए वहां पे तो केवल कृष्ण ही पुरुष होते हैं रास में और सारी गोपियां होती हैं। तो इसलिए गुरुदेव एक और बहुत गोपनीय रहस्य बताते थे कि गिरिराज जी जो है वो पुरुष भी नहीं है, गिरिराज जी कौन है? एक गोपी है, गिरिराज जी एक गोपी है। इसका प्रमाण क्या है? अगर अभी शाम के समय आप गिरिराज जी के दर्शन करने जाओगे राधा कुंड, और श्याम कुंड के तट पे एक गिरिराज जी की शिला है, रोज शाम को वहां पे गिरिराज जी को 16 श्रृंगार, स्त्रियों के 16 श्रृंगार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मुझे नहीं पता, आप स्त्रियों आपको पता होगा। जो 16 श्रृंगार होते हैं वहां पे गिरिराज जी के पूरे 16 श्रृंगार से उनको पूरा एक गोपी सजाया जाता है रोज शाम को। फिर मानसी गंगा पे गिरिराज जी है, मानसी गंगा में जो गिरिराज जी है वहां पे जाओ, वहां पे गिरिराज जी की चोटी होती है, नाक में नंदनी होती है, जो मांग का सिंदूर होता है, बिंदी, पूरा 16 श्रृंगार करके उनको शाम को गोपी सजाया जाता है। फिर जो अभी हम आए थे जतिपुरा मुखारविंद जो है, मुखारविंद में जाओ वहां पे रोज शाम को गिरिराज जी को क्या सजाते हैं? वहां पे भी गोपी सजाते हैं। तो बताया गिरिराज जी जो है वो साक्षात कौन है? राधा जी की एक गोपी ही है। लेकिन जब राधा और कृष्ण की लीला होती है तो उन्होंने राधा कृष्ण की लीला के लिए क्या किया? गिरिराज जी का स्वरूप धारण किया है। वास्तविक में गिरिराज जी का स्वरूप देखा जाए तो वे गोपी है। जैसे यमुना जी कौन है? कृष्ण की अपनी एक गोपी है जिसने जल का रूप धारण किया। वृंदा कौन है? वृंदा देवी, वो भी एक गोपी है जिसने कृष्ण की लीला के लिए एक वृंदा का रूप धारण किया। गंगा कौन है? गंगा भी एक गोपी बताई गई। उसी प्रकार से गिरिराज जी गुरु जी बताते थे वो भी राधा जी की एक दासी के रूप में एक गोपी है जो उनकी युगल में सेवा करती है। और गिरिराज जी के उसमें बताया शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बताते हैं, प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नव युनो द्वंद्व नस्मिन मंदम इति किल कल नाथम लग्न कस तद द्वयोर में निज निकट निवासम देही गोवर्धन त्वम। जिसमें शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप कैसे हैं? प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते, गिरिराज जी कृष्ण की सेवा के लिए बड़े सुंदर सुंदर कंदर, कंदर मतलब होता है गुफाएं, गिरिराज जी बड़ी सुंदर सुंदर गुफाएं प्रस्तुत करते हैं किसके लिए? राधा कृष्ण की उस युगल मिलन के लिए। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे, जिसके अंदर कंदर कंदर के अंदर राधा कृष्ण की बड़ी ही गोपनीय लीला होती है, मदनमय लीलाएं होती है। रचयति नव युनो द्वंद्व अस्मिन मंदम, और जहां पे राधा कृष्ण की आप उस लीलाओं में उनके साक्षी हैं और आप उनकी सेवा करते हैं। अनुपम मणि वेदी रथ सिंहासन और भी आगे बता रहे हैं कि आप क्या करते हैं कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा के लिए। अनुपम मणि वेदी, गिरिराज जी बहुत सारी वेदियों को प्रकट करते हैं, वेदियों को, वेदी मतलब होता है जहां पे
एक थोड़ा ऊंचा उठा हुआ एक आसन जैसा, जिसके ऊपर राधा कृष्ण बैठ के सब गोपियां उनकी सेवा करती हैं। और वो वेदी कैसी है? अनुपम मणि वेदी रत सिंहासन और वी। वो ऐसे आसन है जो आसन किससे सजे हुए हैं? रत्नों से सजे हुए हैं। जैसे भी महाराज जी बता रहे थे ना कि गिरिराज जी पत्थर स्वरूप नहीं है, कैसे है वो? चिंतामणि प्रकर सद मसौ कल्प वृक्ष, चिंतामणि स्वरूप है, ऐसी मणि जो इस जगत में देखने को भी नहीं मिलती। तो बताया पूरा जो गिरिराज जी है वो मणियों से सजा हुआ है, और गिरिराज जी बड़ी सुंदर सुंदर रत्नों को मय सिंहासन को प्रकट करते हैं, किसके लिए? युगल की सेवा के लिए। अनुपम मणि वेदी रत सिंहासन और भी रूह जर दसानी संगेशु रंगे। उसके बाद क्या करते हैं गिरिराज जी? राधा कृष्ण की युगल की सेवा के लिए बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पे कुंड प्रस्तुत करे हैं, जितने भी हम कुंड देख रहे हैं, गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड, नवल कुंड, मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, यहाँ पे बहुत सारे कुंड हैं, श्याम तलैया, नारद कुंड, बहुत सारे कुंड है, कुसुम सरोवर, ये जितने भी कुंड हैं ये सारे के सारे कुंड कौन प्रस्तुत करते हैं? गिरिराज जी कृष्ण की सेवा के लिए प्रस्तुत करते हैं। और बताया यहाँ पे बहुत सारे वो भी है, वॉटरफॉल जिसको बोलते हैं, झरना बोलते हैं पानी का, गिरिराज जी में बहुत सारे झरने भी हैं जो किसकी सेवा के लिए प्रस्तुत करते हैं? वो राधा कृष्ण की सेवा के लिए प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद बताया अनुपम मणि मेदी रथ सिंहासन और भी रूह जर दसानी संगेशु रंगे सह बल सखी भी संखेल यन प्रियम में। उसके बाद जो कृष्ण के सखा है, कृष्ण के सखाओं के लिए क्या करते हैं? कृष्ण के सखा जब भोजन करते हैं तो भोजन के लिए जो पत्ते होते हैं, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है श्याम तलैया, श्याम ढाका, वहां पे बड़े सुंदर सुंदर पत्ते होते हैं जिस पत्ते की कटोरी बन जाती है, और उसी कटोरी में सारे सखा बैठ के भोजन की लीलाएं करते हैं, उसी कटोरी में छाछ आती है तो छाछ उसी कटोरी में डाल के पीते हैं। तो गिरिराज जी सब सखाओं की सेवाएं करते हैं। उसके बाद सखा लोग जब आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार के लिए क्या होता है? जब सखा लोग आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार के लिए कुछ अनेक अनेक प्रकार के रंग होते हैं, प्राकृतिक रंग। तो गिरिराज जी अपनी ही उन शिलाओं में से बड़े सुंदर सुंदर रंगों को प्रकट करते हैं, जिस रंग के माध्यम से सखा लोग खुद भी सज जाते हैं और कृष्ण को भी सजाते हैं। तो अनेक प्रकार से गिरिराज जी क्या करते हैं? युगल की सेवा करते हैं, राधा कृष्ण की सेवाएं करते हैं। इसलिए हम लोग गिरिराज जी का आश्रय बार बार ग्रहण करते हैं, क्योंकि गिरिराज जी कैसे हैं? सर्व अभिष्ट प्रदाता, सारे अभिष्टों को पूर्ण करते हैं। इसलिए गुरुदेव एक बात बोलते थे कि जितने भी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आते हैं, जो वैष्णव के अनुगत्य में आया, वो ठगने से बच जाएगा, लेकिन जो स्वतंत्र रूप से परिक्रमा करेगा गिरिराज जी की, वो ठगा जाएगा। कैसे? गुरुजी बताते थे कि जब कोई व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करना शुरू करता है, गिरिराज जी उसके पीछे खड़े होके जब भी कोई परिक्रमा शुरू करता है, देखना सब लोग प्रणाम करते हैं और मन में कोई ना कोई इच्छा लेके परिक्रमा करते हैं कि मेरी शादी हो जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, कोई ना कोई मन में इच्छाएं होती है जिसको लेके वो करते हैं। तो गिरिराज जी पीछे खड़े होकर उनकी इच्छाओं को सुन के बोल देते हैं, तथास्तु, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो। लेकिन गुरुदेव बोलते थे, खबरदार, गुरुदेव जैसे होते ना कहीं पे बहुत 500 वाट का बिजली है तो वहां लिखा होता है ना खतरा, यहाँ पे जाना वो है, तो गुरुजी ऐसे बोलते थे, खबरदार गिरिराज जी से कुछ मत मांगना, गिरिराज जी से कोई भौतिक वस्तु मत मांगना। गुरुदेव मानो हम सबको कॉशियस करते थे कि हाँ अभी से रुक जाओ, कोई भौतिक वस्तु मांग के अपने आप को ठग मत लेना। गिरिराज जी से अगर मांगना हो तो एक ही वस्तु मांगना, ब्रज की भक्ति मांगना, राधा दास्य मांगना। तो गुरुजी बोलते थे कि जो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में परिक्रमा करेगा उनको गिरिराज जी सबसे ऊंची वस्तु देंगे। कौन सी वस्तु देंगे? गिरिराज जी उनको ब्रज की भक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए अगर गिरिराज जी से मांगना है तो क्या मांगो? केवल ब्रज भक्ति को मांगो। जिसको ब्रज भक्ति मिल गई उसके सारे अभाव पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जब तक एक जीव को वो रस नहीं मिला तब तक उसका कभी भी कोई अभाव पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग गिरिराज जी के पास यहाँ पे आए हैं, उनकी तलहटियों में रह रहे हैं, ये कोई हमारे ऊपर गुरुदेव की बहुत विशेष कृपा हुई है। मैं भी गुरुदेव की एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिसमें गुरुजी बता रहे थे, तुम कितने सौभाग्यवान हो तुम नहीं समझ सकते। गुरुजी इस बात को बोल रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है, तुम अभी इसको नहीं समझ सकते। कार्तिक मास में ब्रजवास, और ब्रज में भी किनके अनुगत्य में? ऐसे रसिक वैष्णव के अनुगत्य में तुम अभी नहीं समझ पाओगे। गुरुजी बोल रहे हैं, मैं बोलूंगा तब भी तुम्हें नहीं समझ पाएगा कि तुम्हारा कितना सौभाग्य है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। मनुष्य जीवन, उसके बाद कार्तिक में ब्रजवास, ये बार बार नहीं मिलता।
करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद जाके आज ऐसा तुम्हें सुयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए अपना एक भी क्षण बर्बाद मत करना। गुरुदेव के पास मथुरा का एक गरीब व्यक्ति एक बड़ी दर्शन करने आया था, तो गुरुजी ने बोला तुम बड़े सौभाग्यवान हो। गरीब था, फटे कपड़े पहने हुए थे। उसने बोला गुरुजी आप मेरा क्या मजाक उड़ा रहे हो, मेरे को गरीब को कह रहे हो बड़ा सौभाग्यवान हो। गुरुजी बोले अरे तू इतना सौभाग्यवान है, देखो नहीं पता तेरा ब्रज में जन्म हो चुका है, देखो संतों का संग मिलता है, एक अच्छी व्रत तुम रखते हो, तुम नहीं समझ पाओगे तुम्हारा कितना सौभाग्य है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे ब्रज में जो वास मिला है और गुरुदेव के हम अनुगत्य में इस सारी परिक्रमा में जा पा रहे हैं। हम यद्यपि जिन हमारे भक्तों ने गुरुदेव का संग किया है, जिन्होंने उनसे कथाएं सुनी है, उनके मुख से हमें वही सारी कथाएं सुनने को मिल रही है गुरु परंपरा से, इसमें हमारा बहुत सौभाग्य है, अभी हमें शायद नहीं भी समझ में आए। तो इसलिए हम लोग बार बार गिरिराज जी से ही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे गुरुवर हमें देने के लिए आए हैं, हम निष्कपट रूप से गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने हृदय को उनके चरणों में दे सके। क्योंकि गुरु जी बोलते थे कि मुझे सिर्फ तुमसे एक चीज चाहिए, क्या, कि तुम अपने कान मुझे दे दो, अपने कान। जिस दिन तुम अपने कान मुझे दे दोगे, अपने कानों को तुम प्रस्तुत कर दो हरि कथा के लिए, जिस दिन तुम अपने कान मुझे दे दोगे उस दिन मैं तुम्हारे हृदय में हरि कथा सुना सुना के, जो तुम्हारा हृदय है, अभी हमारा हृदय बहुत गंदा है और गुरुजी बोलते हैं तुम अपना गंदा हृदय ही मुझे दे दो, मैं उसको शुद्ध कर दूंगा और उसको शुद्ध करने के बाद मैं वहां पे वृंदावन बसाऊंगा और उसके अंदर मैं राधा कृष्ण की सेवा को प्रकाशित करूंगा। तो हम लेकिन इतने कंजूस हैं कि हम अपना जो गंदा हृदय है वो भी उनको देना नहीं चाहते जो उसको साफ करने के लिए प्रस्तुत है, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए हमारे परम गुरुदेव एक बात बोलते थे, हमारे परम गुरुदेव कहते थे अपने गुरु भाइयों को कि कोई मेरे कानों को प्रस्तुत कर दो कि मेरे कान प्रभुपाद जी के पास जाके शरणागत हो जाएं और प्रभुपाद जी की वाणी को सुने। यही भक्ति का सबसे मूल है, श्रवणम, भक्ति का सबसे पहला अंग है श्रवणम, जहां पे वो प्रार्थना कर रहे हैं हमारे परम गुरुदेव कब ऐसा होगा कि मैं अपने गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को प्रस्तुत कर पाऊंगा। तो अगर वास्तविक में देखा जाए हम सुनते तो हैं लेकिन अभी हम शरणागत होके सुनते नहीं हैं। तो हम यहाँ पे गिरिराज जी से ये प्रार्थना करें और चेष्टा करें कि हम संतों के मुख से शरणागत होकर उनकी कथा सुने और अपने कल्याण के मार्ग में हम आगे चल सके। यही मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। आज समय हो गया, अरे कल से फिर हम और भी गिरिराज के और भी भक्त लोग आएंगे और भी गिरिराज की अच्छी अच्छी महिमा। गिरिराज की तो महिमा इतना है, कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत है। इसलिए जब गुरु जी के अनुगत्य में हर साल रहते थे, रोज गिरिराज की रोज गिरिराज की यहाँ पर हम कथा सुनते थे। इसलिए अभी वहाँ पर गुरुदेव का आरती होगी, इसलिए अभी हम सब किसी कथा में चलना, वहाँ पर भी गिरिराज कथा सुनेंगे। ठीक है, कीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्ण बोल हरे कृष्ण ये सुंदर गोपा टेल दिस रहस्य अंडे बटी ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
हरी हरी बोल। हरे कृष्ण। अब और कितना देर तक हो गया?